तफहीमुल कुरान आप एक दो तो पूरा करेंगी, क्योंकि आप रिसर्च जो है ना वो मौदूदी साहब ने कर छोड़ी है, जो एक टॉपिक आपके जेहन में आएगा ना उसका आंसर लेक्चर्स में आगे आ जाएगा, मगर सारा कुछ तो नहीं उन्होंने बताया ना। सो जब आप दूसरे रन में आएंगी, दूसरे रन में आपने एक टॉपिक वाइज जो है ना उसकी एक्सप्लोरेशन अलग अलग तफसीर में खोलनी। मौदूदी साहब इज नॉट दी ओनली, तफहीम इज नॉट दी ओनली तफसीर। किताब पूरी की पूरी पढ़ेंगी तो किताब की किसी एक चैप्टर की सेंस आपको समझ आएगी, किताब का कोई एक चैप्टर पढ़ेंगी तो किताब के किसी चैप्टर की सेंस नहीं समझ आएगी। तफहीम इज नॉट अल्लाह ताला की किताब, तफहीम इज मौदूदी साहब की किताब, कुरान इज अल्लाह ताला की किताब। ओके, सो पूरी किताब तफहीमुल कुरान आपने पहले एक दफा पढ़नी है और आराम से पढ़नी है, मतलब उसको जल्दी खत्म करने की जल्दी में मत रहिए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हुई हैं तो उनमें से ज्यादातर चीजें जो है ना वो अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है हमारे पास, जो घरों में पड़ी हुई है वो अल्लाह की नेमत नहीं है, वो हमने मोहलतें इकट्ठी की हुई है। जब नबी अलैहिस्सलाम पे जब जिब्रील अमीन ने आके बताया ना कि हियर यू गो दिस इज द मिशन, आप सोचें फिर अगर वो अपने घर वालों तक रहते कि मेरे पास इतनी नेमतें हैं तो हमारा क्या होता। सहाबा इकराम तक ये बात आई थी तो सहाबा इकराम अपने घर तक ही रखते तो फिर हमारा क्या होता। तो बिल्कुल ऐसे ही आपने आगे का सोचना है। 100-200 साल के बाद ना कुछ लोग इकट्ठे होंगे खुदा की कसम, और या तो वो शुक्र अदा करेंगे कि सपाहा और साहिल जो थे वो इस तरह की बातें करते हुए कुछ मतलब निकाल बैठे, जो आपके पड़ पोते होंगे या मेरे पड़ पोते होंगे, या फिर हम पे नाला हो रहे होंगे कि जिस तरीके से मैं होता हूं कि ये पिछले से सैलाब क्यों नहीं रोका गया जो पानी मेरे तक आया, जो पिछली नस्लों ने ये सैलाब क्यों नहीं रोका। नाम लेते थे ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान के लिए और हर वो काम किया जो अमेरिका में भी नहीं अभी हो रहा, पाकिस्तान ने शुरू कर दिया। सो मैं खाली अपनी पाकिस्तानी नस्लों की बात कर रहा हूँ, तो 500 साल तक सबके सब जिम्मेदार हैं इसके। सो वी नीड टू डू समथिंग। नबी अलैहिस्सलाम उम्मती उम्मती क्यों कर रहे थे, उम्मती इसको कह रहे थे क्यामत से अब पैदा होने वाला बच्चा जो आखिरी दिन पैदा होगा उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम परेशान हो रहे हैं और हम अपने बच्चों की फिक्र में बैठी बैठ गए हैं। दिस इज नॉट गोना वर्क, आई एम सॉरी। आप और मैं जिस सेशन में पाए गए हैं ना, ये जो सेशन हो रहा है ये अवाम नहीं है आप और मैं, हमसे अलग सवाल होने हैं सुबह, वरना इस वक्त आप ही के साथ किसी एक घर में जो मुंसलिक घर हैं उनमें से एक हमसाई आपकी इस वक्त शाहरुख खान की फिल्म देख रही है बैठ, और वो समझ रही है कि अल्लाह की नेमत है कि इंटरनेट चल रहा है तो मैं फिल्म देख रही हूँ। ठीक है, सो आपसे कोई और सवाल होना है क्योंकि आपको ये शोर मिल चुका हुआ है। अल्लाह ताला ने कहा जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं, तो आप क्या समझ रही हैं कि वो बच जाएंगे क्यों वो जाहिल थे? नहीं, उनसे दो सवाल होंगे मगर आपसे कड़ा सवाल होगा कि तुझे तो हक पहुंचा दिया था, यू आर अ थिंकर, आपके अंदर से आवाजें ना होती तो आप लॉग इन ना करती जूम में, और दो घंटे बाद अपने सवाल की बारी आई आपकी, आप वेट कर रही हैं, आपके अंदर ताकत पूरी है, चिराग जला हुआ है पूरा। आप सवाल तो होगा कि लाइट तो आपके पास थी, नीचे सामने रास्ता भी नजर आ रहा था, तो कदम क्यों नहीं बढ़ाया आप? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सबाहा एंड एनी अदर वुमन। आपका सवालों की लिस्ट ही और है, क्यों जिम्मा और था कि बनी इसराइल से अल्लाह ताला पै दर पै कुरान पाक में बता रहे हैं कि तुम्हें मैंने सब कुछ बता दिया, अल्लाह की सारी निशानियां दिखा रहा है, अल्लाह अपना जलवा दिखा रहा है इनको, तो तुम्हें सरदारी दे रहा हूं क्योंकि तुम्हें सब हक कायम कर दिया। अपना कुछ अब क्या यू ना ले लेना, मजहब ना बना लेना अपने इस दीन को, पूजा पाठ के लिए नहीं बता रहा हूं तुम्हें। दिस इज नॉट अबाउट यू एंड योर फैमिली, दिस इज अबाउट द प्लैनेट नाउ। अल्लाह अपना जलवा दिखा रहे हैं, तो हमें भी वही सवाल अल्लाह ने कहा कि उनको मैंने मौजे दिखाए थे, अब तुम्हें मौजे नहीं दिखा रहा क्योंकि तुम बेहतरीन उम्मत हो, क्योंकि तुम वो काम करते हो कि जो कि मारूफ है अल्लाह ताला की तरफ से आया है, और उस काम से रोकते हो कि जो कि मारूफ नहीं, वो जो मुनकर है।
गलत था, सही था, मगर कॉन्सेप्ट क्लियर था कि लोगों को फायदा पहुंच जाएगा। हम लेकिन नहीं, बस मैक्सिमम थ्रूपुट, मेरी मेरे पोते, बस मैक्सिमम थ्रूपुट, वो भी नहीं है, हम सबको पता है पोते के लिए कौन सिंसियर है, मैक्सिमम अपने बच्चे बस। सो लेट्स वेक अप, लेट्स वेक अप एवरीबॉडी, हाउ, बाय वेकिंग अवर्स अप एंड बिकमिंग दैट टॉर्च। एंड मैं बता रहा हूँ, एक टॉर्च से दूसरी टॉर्च के लिए जल जाती है, ये हमारी अंदर केमिस्ट्री है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप ऑन दिस नोट वी एक्चुअली शुड कॉल इट अ डे और नाइट।